बात करेंगे पीएम मोदी की क्वाड समिट में हिस्सा लेने के बाद। प्रधानमंत्री फिलहाल भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं कुछ ही देर बाद। न्यूयॉर्क के नाजाऊ कॉलेजियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। लॉन्ग आइलैंड में आयोजित मोदी एंड अमेरिका नाम से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। यहां कई भाषाओं में वेलकम मोदी पोस्टर लिए भारतीय समुदाय के लोग एकत्रित हैं। कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर कलाकारों ने विभिन्न पारंपरिक भारतीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन भी किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक और क्वाड समिट में शामिल होने के बाद पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंचे और अब से थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी है। प्रवासी भारतीयों की सभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले कार्यक्रम की कुछ झलकियां आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका में मोदी की गूंज है, भारतीयों का जोश हाई है, हजारों लोग मौजूद हैं, भारतीय संगीतों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा है। तो भव्य तस्वीरें फिलहाल न्यूयॉर्क से इस समय निकलकर सामने आ रही हैं। इसी वेन का नाम रखा है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। जी हाँ, अमेरिका में मोदी की गूंज, भारतीय समुदाय के लोग हैं, मोदी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और जोश भी आई है। कितना जोश है भारतीयों में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, और हजारों लोग मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। अपने दिल में भारत को बसाकर रखने वाले हर भारतीय ने ये किया है। साथियों, यहां आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, आपका यह प्यार ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था, इस धरती को देखना, इसे समझना। मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार स्नेह पाया है, अपनत्व पाया है।
2014 में मेडिसन स्क्वायर ...2015 में सॉन होसे 2019 में ह्यूस्टन 2023 में वॉशिंगटन और अब 2024 में न्यूयॉर्क और आप लोग हर बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। साथियों, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप सात समंदर पार भले आए गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। मां भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत हैं, पंथ हैं, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु,
कोई मलयालम तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है, और वो भाव है भारत माता की, वो भाव है भारतीयता। दुनिया के साथ जुड़ने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है। यही वैल्यूज हमें सहज रूप से ही विश्व बंधु बनाती है। हमारे यहां कहा जाता है, तेन तक्तेन भुंजी था, यानी जो त्याग करते हैं वे ही भोग पाते हैं। हम दूसरों का भला करके, त्याग करके सुख पाते हैं, और हम किसी भी देश में रहे ये भावना नहीं बदलती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा योगदान करते हैं। यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में, रिसर्चर्स के रूप में, टेक प्रोफेशनल्स के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में या दूसरे प्रोफेशंस में जो परचम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है। अभी कुछ समय पहले ही तो यहां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, और यूएसए की टीम क्या गजब खेली, और उस टीम में यहां रह रहे भारतीयों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है। साथियों, दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन, इंडियन। अमेरिका, इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का AI पावर है। यही AI स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। आई सैल्यूट यू ऑल।
साथियों, मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, हर लीडर के मुंह से भारतीय डायस्पोरा की तारीफ ही सुनता हूं। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान आपका है, आपके पुरुषार्थ का है। ये सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतीयों का है। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का आभार करूंगा और साथ ही आपका भी आभार व्यक्त करूंगा। साथियों, 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष है, तनाव है, तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं, भारत में हुए ये इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे। आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब 2 गुने वोटर्स, इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। तीन महीने का पोलिंग प्रोसेस, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों का पोलिंग स्टाफ, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, आठ हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स, अलग अलग भाषाओं के हजारों न्यूज़पेपर्स, सैकड़ों रेडियो स्टेशन, सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स,
लाखों सोशल मीडिया चैनल्स, ये सब भारत की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विस्तार का दौर है। इस लेवल की स्क्रूटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है। और साथियों, इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अब की बार साथियों, तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। और ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। भारत की जनता ने ये जो नया मैंडेट दिया है, उसके मायने बहुत है और बहुत बड़े भी हैं। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। तो प्रधानमंत्री यहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, उनकी बातों को बड़े ध्यान से पूरी दुनिया यहां पर सुन रही है। और जो जोश है भारतीय समुदाय के लोगों में अमेरिका में, वो देखते ही बनता है।